नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जिसे लेकर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार के आबकारी नीतियों का व्यक्तिगत तौर पर विरोध किया है। विधायक ने लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। प्रदेश के भी नेताओं से आग्रह करता हूं कि दाम के लिए इंसान की जान को खतरे में रखना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब शराब की दुकान खुलेगी तो फिर कौन सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन अप करवाएं। शराब की दुकान खुलने का मतलब महाराज वो आदमी समाज को भी संकट में डालेगा और परिवार को भी संकट में डालेगा। और गरीबों के लिए, यहाँ जो गरीब घर के शराबी हैं वो तो समझिए कि नहीं, शराब के लिए भोजन भी परिवार में नहीं मिलेगा और शराब पी जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा कोई पार्टी से और उसका विचार नहीं, मैं व्यक्तिगत विचार के आधार पर कर सकता हूँ कि अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, नहीं तो समाज और विभत्स रूप में हो जाएगा। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, अब अपने और व्यथा को रोक भी नहीं पा रहे हैं कि भाई खोलना ही है कि किसी को तो फल की दुकान खोलिए, दूध की दुकान खोलिए, दवा की दुकान खोलिए, कपड़ा की दुकान खोलिए, एक लिमिट के लिए खोल दीजिए, सब लोग अपना अपना काम चला लें और जो भी करना है तो प्रतिबंधित कर दीजिए। लेकिन शराब की दुकान किसी भी एंगल से, मेरे समझ से, मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जैसे राष्ट्र के विचारक की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि शराब जो है कि दुकान खोलने से सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी, समाज में अराजकता बढ़ेगी, समाज में चोरी चमारी बढ़ जाएगी और लॉकडाउन है तो दोनों चीज़ें एक साथ प्रासंगिक नहीं लगता है हमारे समय से। मेरा प्रार्थना है, मैं तो अपना विचार ही प्रकट कर सकता हूँ कि अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक शराब पर बंदी रहना चाहिए। इनकम के लिए अन्यान्य जो भी स्रोत है कोई जरूरी नहीं, भले जो है कोई और सुविधा बंद कर दीजिए, कोई और सुविधा भले बंद कर दीजिए, लेकिन यह काम अभी रोका जाना चाहिए हमारे समय से। मेरा प्रार्थना है, आग्रह है, वैसे तो भाई जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व और अधिकारी करेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद जिले से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि दुकानें बंद नहीं कर सकते तो शराब पर COVID-19 टैक्स इतना बढ़ा दिया जाए जिससे शराब की कीमत दो गुना हो जाए। विधायक ने शराब की बिक्री ऑनलाइन करने की भी मांग की है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।